नमस्कार। संसार के सबसे पहले ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त में ही उल्लेख आया है रत्न धाततम, रत्नों का उल्लेख है उसमें। रत्न सभी जानते हैं, हर एक ग्रह का रत्न है ज्योतिष में, और भारत रत्न दिया जाता है। नवरत्न हुए हैं अलग अलग प्रसिद्ध सम्राटों के दरबारों में, और रत्न जो हैं वो रंगों पर आधारित हैं। सूर्य की किरणें, उसमें 7 रंग हैं, और हर एक रंग का घनीभूत रूप एक रत्न है। जिस तरह लाल रंग का घनीभूत रूप है रूबी, माणिक्य, तो ज्योतिष में इनका बहुत उपयोग किया जाता है, और लोग अंधाधुंध यूज़ करते हैं। बस बहुत से ज्योतिषी लोगों को बरगलाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए कुछ भी बता देते हैं रत्न। हम एक कोर्स करने वाले हैं जिसमें हम साइंटिफिक मैनर में लिंक करेंगे कि किस तरह से आप देखना, ज़्यादातर मामलों में इन रत्नों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रत्नों की ज़रूरत केवल तभी पड़ती है जब किसी की कुंडली में कोई ग्रह शुभ हो के निर्बल हो, केवल तभी, हमेशा नहीं। रत्नों से भी ज़्यादा पोटेंट, रत्नों से भी ज़्यादा प्रभावी है मंत्र, और मंत्रों का प्रयोग हर जगह हर तरह से किया जा सकता है। मंत्रों का प्रयोग जब कोई ग्रह शुभ हो के निर्बल हो तब भी किया जा सकता है, इस भावना से कि वो बलि हो, और मंत्रों का प्रयोग तब भी किया जा सकता है जब कोई ग्रह अशुभ हो के बलि हो, इस भावना से कि वो अशुभ प्रभाव ना दे। जिस तरह शनि का मंत्र पाठ किया जाता है, शनि स्तोत्र, नील शनि स्तोत्र का पाठ किया जाता है इस भावना से कि शनि भगवान अशुभ प्रभाव ना दें, तुष्ट हों, प्रसन्न हों। तो मंत्रों का प्रभाव दोधारी तलवार की तरह है। तो इनके अलावा फिर और भी शास्त्र हैं, औषधि शास्त्र, इटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, हर ग्रह से संबंधित खाने पीने की चीज़ें हैं। आयुर्वेद में सब यही है, 6 टेस्ट हैं, 6 रस है, और हर एक का, जिस तरह अब आप समझिए, गुरु का मधुर रस है, शुक्र का खट्टा है, शनि का कषाय है, तो रसों से संबंधित है सारी खान पान की वस्तुएं, और इसी तरह से फिर इलाज किया जाता है आयुर्वेद में। फिर आगे आइए, दान शास्त्र है हमारे यहाँ पूरा, कि किस ग्रह का दान करें, जिस तरह शनि का दान लोहा है वो दान करें, चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा की वस्तु क्या है, चंद्रमा की वस्तु है चांदी, और चंद्रमा की कारक व्यक्ति कौन है, माँ या माँ के समान स्त्रियाँ, तो चंद्रमा का प्रभाव बढ़ाना है तो दान बल्कि लेना चाहिए, देना नहीं चाहिए। फिर आइए स्नान शास्त्र है, जैसे तो चंद्रमा को ही बलि करना है तो पूर्णिमा स्नान करो, और शनि के लिए कौन सा स्नान होता है, ठहरा हुआ पानी, सड़ा हुआ पानी वो राहु का है, ठंडा पानी है बहुत वो शनि का है, तो उनका स्नान ना करें, अदरवाइज इनके इफेक्ट और बढ़ जाएंगे। फिर यंत्र शास्त्र है हमारे यहाँ, 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में यंत्र बनाए जाते हैं। तो हम क्या करने वाले, इस आने वाले कोर्स में हम रत्नों के द्वारा, रंगों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, दान के द्वारा, स्नान के द्वारा और यंत्रों के द्वारा उपाय बताएंगे, और ये उपाय आप ज्योतिष शास्त्र में लगा सकते हैं, वास्तु शास्त्र में लगा सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में लगा सकते हैं, योग शास्त्र में, प्राणायाम में, मेडिटेशन में, न्यूमरोलॉजी में, कहीं भी इनका उपयोग किया जा सकता है। हम बहुत साइंटिफिक मैनर में, लॉजिकल मैनर में आपको बताएंगे, आप इनका उपयोग करके बहुत जल्दी से रेमेडीज़ कर सकते हैं। अब आप जैसे देखिए, वास्तुशास्त्र में तो है ही सब रंगों का खेल, वास्तुशास्त्र में हर एक स्पेस, हर एक जहाँ भी एक्टिविटी जो भी हो रही है वहाँ पर विशेष रंग प्रयोग करने चाहिए। जिस तरह मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, उसका बेडरूम है तो हल्का नीला रंग, लेकिन न्यूली मैरिड कपल है, नई शादी हुई है, तो अभी तो उनको बच्चे पैदा करने हैं ना, संतति को आगे बढ़ाना है, वंश को आगे बढ़ाना है, तो फिर गुलाबी रंग ज़्यादा बढ़िया वहाँ उनके लिए। तो इस तरह से हर एक एक्टिविटी के लिए अलग रंग है, हर एक स्पेस के लिए, बड़ी स्पेस है तो वहाँ थोड़ा डार्क कलर हो सकता है, लेकिन स्पेस ही छोटी सी है तो फिर रंग सॉफ्ट होनी चाहिए। तो आप जो भी इस कोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, इस पर क्लिक करने से आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ये कोर्स 17 सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं, हर संडे, हर रविवार को शाम को 5 से 7 बजे जूम पर ये कोर्स होगा। आप अपने घर में बैठे बैठे ये कोर्स कर सकते हैं, और पूरे वीक में कभी भी कोई भी आपको समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, आप हमसे पूछ सकते हैं।
सारी स्लाइड्स आपको दे दी जाएंगी, सारी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, और कुछ एडिशनल मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बुक्स, वो भी आपको सॉफ्ट में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। धन्यवाद।